अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चलें जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू ऐसे करेंगे, हर रोज हम इसी तरह से लेक्चर शुरू किया करेंगे इंशाल्लाह, कि हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज किया करेंगे। तो आसिफ, उस्मान, वलीद, कल आप लोगों ने क्या सीखा था, सारे पॉइंट्स को समराइज कर दें। जल्दी से जी, क्या टेक्निक्स थी पेपर अटेम्प्ट करने की? आसिफ, उस्मान और वलीद और आमिर, अगर आपका आज पहला दिन है तो आपने कल की रिकॉर्डिंग सुनी थी या नहीं सुनी थी? जल्दी, यू हैव लाइक 2 मिनट्स टू रिस्पॉन्ड। वलीद, आप भी लिख के भेजें। उस्मान, आपको तो जल्दी भेजनी चाहिए। वेरी नाइस आसिफ एंड उस्मान। वलीद, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं आता। ठीक है आमिर, तो फिर आप भी समराइज करके बताएं कि कल आपने क्या टेक्निक सीखी थी। वलीद, आप अगर सेलफोन पे हैं तो आप फिर भी रिप्लाई करने की कोशिश तो करो। वेरी नाइस वलीद। अच्छा, वलीद को इसलिए टाइम लगा क्योंकि उसने बहुत नीटली लिखा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जी, थोड़ी मुझे तसल्ली होगी कि चलें कुछ चीजें अगर सेशन के एंड तक भी आपके जहन में ये रही कि हमने आसान क्वेश्चन का ऑर्डर डिसाइड करना है, ऑर्डर डिसाइड करके पेपर के शुरू में ही हमने उनको टाइम बाउंड करना है, हमने पैराग्राफ्स की तरफ नहीं जाना, हमने बुलेट्स और क्लैरिटी की तरफ रहना है, हमने चीजें स्ट्राइक ऑफ करनी है केयरफुली, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि आखिर ऑडिट क्या चीज होती है। तो आमिर, आसिफ, उस्मान और वलीद, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों के ख्याल से ऑडिट क्या होता है? ठीक है, आमिर ने कहा वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू गिव दी ओपिनियन। आसिफ ने कहा थरो रिव्यू ऑफ बुक्स एंड ट्रांजैक्शंस। वलीद ने कहा इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। चले, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, और उस्मान ने कहा चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ी बहुत नो हाउ है कि बेसिकली ऑडिट में हम फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने उठाते हैं, फाइनेंशियल डेटा अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, और हम उनको चेक करके बताते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं। हम क्यों ऐसे करते हैं
ये हम अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम ऑडिट क्यों करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आमिर ने एक घर खरीदना है, ठीक है जी। आमिर को हम बना लेते हैं बायर, और आसिफ जो है वो इनको घर बेच रहे हैं। आसिफ है हमारे सेलर, और वलीद जो है उन्होंने क्या करना है कि आमिर ने कहा आसिफ को, अच्छा अब आमिर और आसिफ मेरे छोटे दोनों मामू के नाम है, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं अपने मामुओं से बात कर रही हूं। जो आमिर हैं वो बायर हैं, वो आसिफ से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कितनी कीमत का है। आसिफ कहते हैं कि जी कम से कम 1.5 करोड़ रुपया तो बनता है, इतना अच्छा मैंने घर बनाया है, टॉप क्वालिटी की सारी चीजें इसमें लगवाई हैं। तो आसिफ तो सीधी सी बात है यही कहेंगे कि मेरा घर बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं आपको सब चीजों की गारंटी देता हूं। और हो सकता है कि चीजें बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हों, लेकिन असल में चीजें नाकिस हों, ठीक है। अब आमिर जो है वो रोज रोज तो घर खरीदते नहीं है, और ट्रांजैक्शन की वैल्यू इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा पैसे लगाने जा रहे हैं कि इतने आराम से छानबीन किए बगैर आमिर घर नहीं खरीद सकते। तो आमिर फिर क्या करेंगे, आमिर वलीद को बुलाएंगे। वलीद क्या है, वलीद बिल्डिंग सर्वेयर है, ठीक है। वलीद साहब जो है वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो बिल्डिंग सर्वे करके बताते हैं कि अच्छा अगर टाइलें इस तरह की हैं, पंखे इस तरह के हैं, वायरिंग इस तरह की है, टूटियां इस तरह की हैं, इस क्वालिटी की हैं, स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है या नहीं है, तो इतने पैसे इसके बनते हैं, या ये घर खरीदना चाहिए भी या नहीं, ठीक है जी। तो वलीद जो है वो अपने जो भी उनको रूल्स पता है बिल्डिंग्स के, वो यूज करके अपनी ओपिनियन देंगे आमिर को कि क्या तुम्हें ये घर खरीदना चाहिए या नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू का खरीदना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में हमें कॉन्फिडेंस चाहिए था, तसल्ली चाहिए थी, अपना रिस्क कम करना था कि हमारे साथ दो नंबरी ना हो। तो हमने वलीद को बुलाया। ऑडिट भी इसीलिए कराया जाता है, ऑडिट से ज्यादा ब्रॉड एक टर्मिनोलॉजी है अश्योरेंस की, ठीक है जी। अश्योरेंस का लफ्जी मानी होता है तसल्ली देना। अच्छा उस्मान कह रहे हैं कि डिस्टॉर्शन की वजह से उनको समझ नहीं आई कॉन्फिडेंस। उस्मान मैंने ये कहा कि कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि हमें एक तसल्ली चाहिए थी, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते थे आमिर कि मैं जो घर खरीद रहा हूं उसमें रिस्क कम से कम हो, मेरे पैसे जाया ना हो, अगला मुझे पैसे लेके ना भाग जाए और मुझे नाकिस चीज ना दे दे, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को, ये तो एक ले एग्जाम्पल हो गई, इसी एग्जाम्पल को अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो हमें टेक्निकली अश्योरेंस चाहिए होती है, तसल्ली चाहिए होती है। जिस चीज के ऊपर हमें अश्योरेंस चाहिए होती है उसको हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, ठीक है जी। यहां पर हमें किस चीज के ऊपर तसल्ली चाहिए थी, आमिर, एमल, आसिफ, उस्मान, वलीद और जिले, यहां पे हमें किस चीज पे तसल्ली चाहिए थी, हाउस के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हाउस हमारा सब्जेक्ट मैटर है। बायर को हम यूजर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायर के लिए, कि जो भी सब्जेक्ट मैटर का यूजर होगा, जिसने कल को वो चीज इस्तेमाल करनी है, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको यूजर बोलते हैं। जो बेच रहा होता है उसको हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी कहते हैं, ठीक है जी, कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जो हमें चीज बेच रही है।
इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर्वेयर को हम प्रैक्टिशनर बोलते हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिशनर लॉ का भी हो सकता है, प्रैक्टिशनर ऑडिट का भी हो सकता है, प्रैक्टिशनर सर्वेयर भी हो सकता है। घर खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग सर्वेयर होगा, ऑडिट करा रहे हैं तो ऑडिटर होगा, कोई लॉ का केस है तो लॉयर प्रैक्टिशनर होगा। और जिन रूल्स को आप इस्तेमाल करेंगे उनको हम क्राइटेरिया बोलते हैं कि ये क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल किया, ये रूल्स इस्तेमाल किए ताकि हमें ओपिनियन मिल सके। ओपिनियन किस फॉर्म में होती है? जुबानी कलामी ओपिनियन होती है जी, एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद और जिले। ओपिनियन किस फॉर्म में होती है? ओपिनियन एक रिपोर्ट की फॉर्म में होती है। याद रखें कि प्रोफेशनल लेवल पर कोई चीज जुबानी कलामी नहीं होती, खास तौर पे जहां बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हो। तो ये ओपिनियन एक रिपोर्ट की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अश्योरेंस एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। हम आगे देखते हैं कि अश्योरेंस देने का एक तरीका ये होता है कि आप ऑडिट करें, ठीक है जी। ऑडिट में भी हम अश्योरेंस दे रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होते हैं। किसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होते हैं? एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद और जिले। ऑडिट करते हुए हम किसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं? अच्छा, वेरी नाइस, यूजर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। और हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ऑडिट में? किस चीज के ऊपर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करा रहे होते हैं? हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? वेरी नाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करा रहे होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स यूजली, उनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गई। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए? जी, आसिफ, वलीद, उस्मान, जिले, आमिर, एमल, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेरी नाइस, ऑडिट में आप, यहां पे मुझे बहुत खुशी हुई कि ऑनलाइन क्लास में सब लोगों ने ठीक वर्ड यूज किया है। तो ऑडिट में याद रखें कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी नहीं कहते होते, हम मैनेजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हम डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली बोर्ड कहने के बजाय मैनेजमेंट कह देते होते हैं। और प्रैक्टिशनर कौन होगा भाई इस केस में? कौन तसल्ली देगा ऑडिट के केस में? वेरी नाइस वलीद, ऑडिटर साहब आएंगे, वो कहेंगे सारे पीछे हो जाओ, मैं बताता हूं कौन ठीक कह रहा है। क्राइटेरिया क्या यूज करेंगे आप ऑडिट में? कौन से रूल्स होंगे आपके? वेरी नाइस, तो याद रखें कि ऑडिट करते हुए अगर आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका क्राइटेरिया होगा। और अगर आप ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक कर रहे हैं तो वो भी आपका क्राइटेरिया होगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं और क्या ऑडिट ऑडिट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। और फिर इस केस में भी आप ओपिनियन देते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है जी। आसिफ, आई एस ए स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करती हूं, इंटरनेशनल ऑडिटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑडिटर देख सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, सब कुछ
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इस्तेमाल होंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी इस्तेमाल होंगे। ऑडिट ऑडिट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं वो कैसे यूज चेक करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करके चेक करेगा, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और ऑडिट करने का तरीका ऑडिट स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, तो वो दोनों इस्तेमाल करके देखेगा कि क्या मेरा ऑडिट ठीक है या नहीं है, ऑडिट कैसे करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है जी? अच्छा, अब ये तो बेसिक एग्जाम्पल हो गई जिससे हमें समझ लगी कि अश्योरेंस क्या होती है, क्यों चाहिए होती है। और हमने देखा कि अश्योरेंस की एक टाइप ऑडिट होती है। अब इसको हम मजीद डिटेल में लेके जाते हैं, ठीक है जी? हम एक समरी बना लेते हैं, जो जो हम पढ़ते जाएंगे इसी माइंड मैप में से निकलता जाएगा। अश्योरेंस की दो टाइप्स हैं, एक को हम रीजनेबल बोलते हैं और एक को हम लिमिटेड बोलते हैं। तो लफ्जी मायने क्या होते हैं, आपको इन दोनों लफ्जों को देख के पता चल गया कि लिमिटेड का मतलब लग रहा है कि अच्छा कोई महदूद चीज है, रीजनेबल देख के पता चला कि हाँ भाई तसल्ली बख्श होगी। रीजनेबल का मतलब तसल्ली बख्श, लिमिटेड का मतलब महदूद। तो हम लोग सब इंसान हैं, मशीनें नहीं हैं, इवन मशीनें भी परफेक्ट नहीं होती। तो पहली बार नोट करें कि अश्योरेंस रीजनेबल हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, ठीक है? अश्योरेंस कभी भी एब्सोल्यूट 100% नहीं हो सकती। आप कभी भी 100%, फॉर एग्जाम्पल जैसे वलीद गए थे बिल्डिंग देखने, तो वलीद जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड सर्वेयर हों, वो एब्सोल्यूट 100% नहीं कह सकते कि हाँ भाई एग्जैक्ट ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, कहीं पे दो ईंटें ठीक नहीं भी लगी होंगी बिल्डिंग में। और वलीद के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के एक-एक ईंट चेक करें, सीमेंट चेक करें कि प्लास्टर ठीक हुआ है, यहां से हर तार चेक करें, ठीक है? तो वलीद के लिए पास इतना टाइम भी नहीं है और वलीद के पास ऐसी रैब का इल्म नहीं है, वो दीवारों में से नहीं देख सकते, तो वो 100% जब चीजें चेक ही नहीं कर सकते तो वो 100% अश्योरेंस भी नहीं दे सकते। तो याद रखें कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ अलबत्ता तसल्ली के लेवल्स हैं, अगर आप रीजनेबल तसल्ली दे रहे हैं किसी को, हाई लेवल की तसल्ली दे रहे हैं, अच्छा खासा वलीद ने चेक किया, वलीद ने अपने एक्सपर्ट बुलाए, खुद भी देखी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो हाई वैल्यू की चीजें थी, जो मैटर करती थी घर में रहने के लिए, छत किस तरह की है, उसके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो फिजिकली साउंड है या नहीं है, वो उन्होंने चेक किया। लिमिटेड अश्योरेंस का मतलब होता है मॉडरेट अश्योरेंस। यहां पर मैंने लो लेवल का वर्ड इस्तेमाल क्यों नहीं किया? रीजनेबल के साथ तो मैंने हाई लिखा, लिमिटेड के साथ मैंने मॉडरेट क्यों लिखा? जी एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद, जिले, नो आइडिया। तुक्का लगाएं, तुक्का लगाओ मुसलमानों,
इस तरह तो आप सो जाएंगे अगर मैं ही बोलती रही, इसलिए आपको जगाने के लिए आपसे सवाल पूछा है। एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद, जिले, मॉडरेट क्यों कहते हैं हम? कॉमन सेंस को बहुत बड़ी साइंटिफिक बात नहीं है इसमें, कॉमन सेंस। जी, नोबडी वॉन्ट्स टू आंसर। अच्छा चले आगे चलते हैं। हम जब अश्योरेंस किसी से भी मांगते हैं तो ऑब्वियसली अगर एमल को, आमिर को, आसिफ को, उस्मान, मलिक, दिले, आप में से किसी को भी अश्योरेंस किसी भी चीज पे जिंदगी में किसी से चाहिए होगी और आपको पता होगा यार इसकी अश्योरेंस का लेवल लो होगा, तो क्या आप उससे अश्योरेंस लेंगे? नहीं, आप कहेंगे कि यार ये तो लो लेवल की अश्योरेंस देगा, इससे तो बेहतर इससे ना पूछो। तो इसीलिए जब आप अश्योरेंस लेते हैं तो आप किसी क्वालिफाइड, किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं जो अच्छी एडवाइस दे, जिसकी ओपिनियन पे आप भरोसा कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिटेड के साथ लो लेवल लिख दूं तो लो लेवल की अश्योरेंस लेने का तो फायदा ही कोई नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि रीजनेबल से तो कम लेवल की आपको अश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन वो भी मॉडरेट लेवल की है, मतलब एवरेज लेवल की है, बिल्कुल ही थकी हुई लो लेवल की अश्योरेंस नहीं दे रहे आपको। ठीक है जी, तो जब रीजनेबल लेवल की अश्योरेंस देते हैं किसी को टेक्निकली, तो उसको हम कहते हैं ऑडिट। ठीक है, हम कहते हैं कि जी हमने किसी का ऑडिट किया है। और जब हम मॉडरेट किस्म की अश्योरेंस देते हैं किसी को तो हम कहते हैं कि हमने उसका रिव्यू किया। ये नाम है। जब आप ज्यादा हाई लेवल की अश्योरेंस देंगे, रीजनेबल अश्योरेंस देंगे, तो आप उसको क्या नाम देंगे? ऑडिट। अगर आप लिमिटेड अश्योरेंस देंगे तो आप उसको नाम देंगे रिव्यू। ठीक है, तो अश्योरेंस की सिर्फ यही दो टाइप्स नहीं होती, अश्योरेंस की और भी बहुत सी टाइप्स हैं। ठीक है, तसल्ली देने के और भी बहुत से तरीके हैं। हम जो पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में ऑडिट होगा। 15 चैप्टर्स तो आपके ऑडिट के ऊपर है और फिर एक छोटा सा मुन्ना सा चैप्टर है रिव्यू के ऊपर। सीधी सी बात है, ऑडिट में अगर आप अश्योरेंस ज्यादा दे रहे हैं, आप काम ज्यादा करेंगे, आपकी तसल्ली का लेवल ज्यादा होगा, आप फीस ज्यादा लेंगे अगले से, लिमिटेड है तो आप काम थोड़ा करेंगे, कम टाइम लगाएंगे और अश्योरेंस देंगे। अब एक चीज जो आप पढ़ेंगे वो ये है कि ऑडिट में हम पॉजिटिव अश्योरेंस देते हैं और रिव्यू में हम नेगेटिव अश्योरेंस देते हैं। तो ये बात याद रखें, आज से याद कर लें कि ऑडिट में, ये मुझे दोबारा कोई ना पूछे, मैं बता तो दोबारा दूंगी, लेकिन अभी से याद कर लें, ऑडिट में पॉजिटिव अश्योरेंस का ये मतलब नहीं है कि वलीद कहे ऑडिट, अगर वलीद से ऑडिट कराया जाए तो वलीद कहे कि जी सब कुछ ठीक है, और वलीद से रिव्यू कराया जाए तो वो नेगेटिव में कहे सब कुछ खराब है। ऐसे नहीं होता। ऑडिट में क्योंकि आपने काम ज्यादा किया है तो वलीद ऑडिट करने के बाद कहेगा कि हाँ भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैंने अच्छी तरह से देखा है, अच्छी तरह से काम किया है, तो इसमें सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, मोस्टली ठीक ठाक ही होता है, तो वो कहेगा सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए इसको पॉजिटिव ओपिनियन कहते हैं। रिव्यू में जब आप ओपिनियन देते हैं तो वलीद कहेगा कि मैंने ऊपर ऊपर से चीजें देख ली हैं, मुझे कुछ गलत नहीं मिला। वो ये नहीं कहेगा सब कुछ ठीक है, वो अब कहेगा मुझे कुछ गलत नहीं मिला। नहीं का वर्ड जब यूज होता है दैट्स अ नेगेटिव। इस वजह से हम ऑडिट को पॉजिटिव अश्योरेंस बोलते हैं, रिव्यू को नेगेटिव अश्योरेंस। लेकिन मेरे ख्याल से ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होनी चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव की, क्योंकि एक गलत इंप्रेशन पड़ता है कि ऑडिट में आप कह जो मर्जी भी हो जाए आप कहेंगे सब कुछ ठीक है। ऐसे नहीं होता। कब जब चीजें ठीक नहीं होती तो आप ऑडिट में कहते हैं कि चीजें ठीक नहीं है, लेकिन वैसे एक टर्मिनोलॉजी इनको दे दी गई है कि ऑडिट में पॉजिटिव अश्योरेंस होती है और रिव्यू में नेगेटिव अश्योरेंस। ठीक है जी, ये बात सबको समझ लग गई है? एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद और जले।
पॉजिटिव और नेगेटिव अश्योरेंस की? चलें, अच्छा। अब जैसे लॉ के अंदर हम लफ्ज यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, कि हमने किसी के साथ अगर किसी से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब हम ऑडिट पढ़ते हैं और हमने किसी को ऑडिट या रिव्यू करके देना है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको एंगेजमेंट का लफ्ज देते हैं। एंगेजमेंट के लफ्ज का यहां मतलब सिर्फ ये है कि आपने किसी से कमिटमेंट की है कि मैं तुम्हारा ऑडिट करूंगा, तुम्हारा रिव्यू करूंगा या कोई और अश्योरेंस करके दूंगा, कोई भी अश्योरेंस की फॉर्म तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी? तो ऑडिट को हम ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं, रिव्यू को हम रिव्यू एंगेजमेंट बोलते हैं, कोई और अश्योरेंस है उसको अश्योरेंस की एंगेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना सा फर्क है इनमें। अब ऑडिट की भी टाइप्स हैं दो। ठीक है जी, ऑडिट की जो दो टाइप्स हैं इनको हम यहीं पे कर लेते हैं। एक को बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, अक्सर लोगों ने नाम सुना होगा, एक्सटर्नल ऑडिट, और एक होता है जी इंटरनल ऑडिट। एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद और जिले तुक्के लगाएं कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में फर्क क्या होगा। वेरी नाइस। तुक्का जिंदाबाद मुसलमानों। तुक्के के पैसे नहीं है, खुल के तुक्के लगाएं। अच्छा चलें, एक्सटर्नल ऑडिट नाम से पता चल रहा है कि किसी से बाहर से कराएंगे। ठीक है, अच्छा, वेरी नाइस आसिफ। एक्सटर्नल ऑडिट के नाम से पता चल रहा है कि आप बाहर से कोई बंदा बुलाते हैं। इंटरनल ऑडिट के नाम से लग रहा है कि अच्छा कोई कंपनी के अंदर ही शायद होता है इंटरनल ऑडिट। तो याद रखें कि हमारे सब्जेक्ट में हम एक्सटर्नल ऑडिट पढ़ेंगे मैक्सिमम। एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद कुछ और होता है, इंटरनल ऑडिट का मकसद कुछ और होता है। हम इंटरनल ऑडिट के ऊपर एक छोटी सी चैप्टर में छोटा सा सेक्शन पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक्सटर्नल ऑडिट में और इंटरनल ऑडिट में है तो ऑडिट, इसलिए कुछ चीजें सिमिलर होती हैं। तो क्या एक एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट का काम इस्तेमाल करे या ना करे? ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर लॉ में है, कानूनन मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी पब्लिक कंपनीज और 3 मिलियन से ज्यादा की प्राइवेट कंपनीज, आपने लॉ में पढ़ा था कि उनको ऑडिट कराना है, तो वो ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट है, बाहर से किसी बंदे से कराना है। और बाहर से कोई बंदा क्यों बुलाना है ये हम अभी देखते हैं। इंटरनल ऑडिट आपकी कंपनी के अंदर आप बंदे रखेंगे या फिर आप किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देंगे कि आप हमारा इंटरनल ऑडिट कर दें। एक्सटर्नल ऑडिट की तो आपको वजह समझ लग गई कि एक्सटर्नल ऑडिट तो कानून ने कहा है, इस वजह से कराना ही कराना। इंटरनल ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि कंपनी खुद तसल्ली कर सके कि और इंटरनल ऑडिट बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर तो साल में एक मरतबा आता है और पूरे साल को चेक करके चला जाता है एक ही बार, लेकिन इंटरनल ऑडिट पूरे साल होता रहता है। और इंटरनल ऑडिट में आप ये देख रहे होते हैं कि कंपनी में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनमें कोई दो नंबरियां तो नहीं हो रही, कंपनी के प्रोसेसेस कितने अच्छे या कितने बुरे हैं, उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इंटरनल ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना नहीं है, वो ये नहीं बताता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है। वो ये देखता है कि कंपनी अच्छी चल रही है, बेहतरीन चल रही है, क्या इससे चलाने का बेहतर कोई तरीका है या नहीं है।
लोग कहां पर डंडियां मार रहे हैं, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। एक्सटर्नल ऑडिटर का काम ये नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ आके बताएगा कि ये जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बना के दिए हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने, मैनेजमेंट ने, क्या ये ठीक है या नहीं। अब आप सब मुझे बताएं कि एक्सटर्नल ऑडिट क्यों कराया जाता है, कानून एक्सटर्नल ऑडिट पे फोकस क्यों करता है। जी एमएल आमिर आसिफ, वेरी नाइस आसिफ, कॉमन सेंस, वेरी नाइस आमिर जी। वलीद आपको क्या लगता है? नो आइडिया, तुक्का लगा लो, कुछ भी कह दो। अच्छा जी, थैंक यू। सीसीबी भी मैं आपको इस हफ्ते दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, तो इंटरनल ऑडिट कंपनी खुद करा रही है, कंपनी देखना चाहती है कि चीजें अच्छी या बुरी चल रही है या नहीं। एक्सटर्नल ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि अगर जैसे हमने वलीद को बिल्डिंग सर्वेयर के तौर पे बुलाया था, तो अगर आसिफ घर बेच रहा था और वलीद और आसिफ आपस में भाई हैं और वलीद और आसिफ एक ही घर में रहते हैं, तो सीधी सी बात है, वलीद अगर इंटरनल बंदा है तो वलीद तो कहेगा कि ये घर तो बेहतरीन है, इस घर से ज्यादा बेहतर तो घर ही नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इसी वजह से एक्सटर्नल ऑडिट कराया जाता है कि कोई थर्ड पार्टी आए, कोई इंडिपेंडेंट बंदा आए, इंटरनल बंदा ना हो, कोई और बंदा आए और आके बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है। वरना तो मैनेजमेंट भी यही कह रही है जिसने खुद से बनाई है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल ऑडिट पे फोकस होता है कि कोई थर्ड पार्टी वेल क्वालिफाइड, अच्छा क्वालिफाइड स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने वाला बंदा है और बताए कि यहां कोई डंडियां तो नहीं चल रही। अब एक और टर्मिनोलॉजी है, एक्सपेक्टेशन गैप। कितने लोग जब सीए उन्होंने नहीं शुरू किया था तो उनको पता था कि ऑडिटर क्या करने जाता है कंपनीज में, कितने लोगों को पता था? और जिन जिनको नहीं पता था वो क्या सोचते थे? या अभी भी आपकी फैमिली में बहुत से लोग होंगे जो आपसे पूछते होंगे कि ऑडिटर फलाना काम करने जाता है कंपनी में, तो वो क्या पूछते हैं आपसे, उनका क्या ख्याल होता है कि ऑडिटर क्या करने जाता है कंपनी में। वेरी नाइस दिल्ले, वेरी नाइस एमल। तो वलीद, उस्मान, आसिफ, उनको पता ही नहीं होता जी। वेरी नाइस आसिफ, सबसे सही जवाब आपका है कि एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि ऑडिटर चीज क्या होती है या क्या करता है जाके कंपनी में। और जिनको पता होता है, सॉरी, जिनको ज्यादा अंदाजा नहीं होता, जैसे कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको सिर्फ जिन्होंने ऑडिटर का नाम सुना होता है, तो याद रखें कि जब पहली मर्तबा आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत डरे हुए होते हैं, वो बहुत आपको गुस्सा भी दिखाते हैं, आपसे तंग भी होते हैं और आपसे डरे भी होते हैं। वो ये समझते हैं कि ऑडिटर को इसलिए बुलाया गया है कि कंपनी में आके फ्रॉड पकड़े। एक कॉमन बंदा ये समझता है कि ऑडिटर क्या करने जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करने जाता है कंपनी में, फ्रॉड पकड़ने, लोगों को नौकरी से निकलवाने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन गैप इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, यानी एक आम पब्लिक जो जिसका अकाउंटिंग की फील्ड से, ऑडिटिंग की फील्ड से ताल्लुक नहीं है, इतनी ज्यादा मिसकंसेप्शन थी उनकी, उनकी एक्सपेक्टेशन होती थी कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ ठीक कराएगा,
अकाउंट्स में सारा ठीक कराएगा, फ्रॉड सारे पकड़ के आएगा। तो ये गैप था रियलिटी से, कि रियलिटी में हम कुछ और करने जाते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है हमसे। तो ये एक्सपेक्टेशन गैप इतना इंपॉर्टेंट था कि पिछले साल तक एक सफे की ऑडिट रिपोर्ट होती थी, जिसमें हम सिर्फ ये बताते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं है। अब पब्लिक की ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट 3 सफों की हो गई है। 2 सफों पे हम सिर्फ यही बता रहे होते हैं कि हमारा काम फ्रॉड पकड़ना नहीं है, हम सब कुछ ठीक नहीं करने गए कंपनी का, हम लोगों को निकलवाने के लिए नहीं गए, हमने सिर्फ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें चेक की हैं ताकि हम रीजनेबल अश्योरेंस दे सकें, और हमने वो काम नहीं किया जो कंपनी की मैनेजमेंट ने करना था। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की मैनेजमेंट ने बनानी है, कंपनी को ठीक कंपनी के मैनेजमेंट ने करना है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक्सपेक्टेशन गैप था इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सपेक्टेशन गैप था लेमैन का और क्वालिफाइड बंदे का। तो अब आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि मैनेजमेंट जो होती है वो क्या कर रही होती है कंपनी में। अभी मैंने बताया है कि एक्सटर्नल ऑडिट क्यों कराया जाता है, कि बाहर से एक बंदा है, ठीक है, बाहर से आके जो बंदा है वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि मैनेजमेंट जो थी वो किन के पैसों पे बिजनेस खर्च चला रहे होते हैं। जी एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद और जिले, मैनेजमेंट किसके पैसों पे सारा बिजनेस चला रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। वेरी नाइस, मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसों पे सब कुछ चला रहे होते हैं, इनकी तनख्वाहें, इनके बोनस शेयर होल्डर्स के पैसों पे होते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट होती है ये अकाउंटेबल होती है शेयर होल्डर्स को, और अकाउंटेबिलिटी की वर्ड से ही अकाउंट्स का वर्ड निकला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो समझ लगता है कि यार कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें पैसे का कुछ चल रहा है, पैसे का जिक्र हो रहा है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है, उनका एहतसाब होता है, वो हिसाब देते हैं कि उन्होंने पूरा साल शेयर होल्डर्स के पैसों को कैसे इस्तेमाल किया। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट इसलिए अकाउंटेबल होती है क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। ये आपने शायद लॉ में पढ़ा भी था कि शेयर होल्डर्स जिनके पैसे लगे हुए हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, और मैनेजमेंट जिनके पैसों पे बिजनेस चला रही है मैनेजमेंट उसका एजेंट है। ठीक है, एजेंट को स्टुअर्ड भी बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टुअर्ड का मतलब भी नौकर होता है। ठीक है, तो स्टूअर्ड है मैनेजमेंट जो है वो स्टूअर्ड है शेयर होल्डर्स की, और शेयर होल्डर्स का और मैनेजमेंट का आपस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ये भी आपने लॉ में पढ़ा था, या गुड फेथ का रिलेशनशिप है। तो फिड्यूशरी या गुड फेथ का रिलेशनशिप का मतलब गुड फेथ से ही समझ लग जाता है। गुड मतलब अच्छा, फेथ मतलब आपने किसी पर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया किसी पे, अपने इतने सारे पैसे उसके हाथ में दे दिए कि बिजनेस तुम चलाओ, मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा तुमसे। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल ऑडिट की वजह ही ये होती है कि मैनेजमेंट अकाउंटेबल है, तो कोई तीसरा बंदा आके बताए कि क्या मैनेजमेंट जो बता रही है कि हमने इन पैसों से पूरे साल में क्या किया, क्या वो ठीक बता रही है या नहीं। ठीक है जी, अब थोड़ा मजीद डिटेल में चीजों को देखते हैं। इतना आपको समझ लग गया एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद और जिले, ये तो बहुत बेसिक सी बातें थी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं। डिटेल में ये लेके जाते हैं कि स्टेक होल्डर्स तो आप सबको पता है कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के।
ठीक है, स्टेक होल्डर्स के तो सबको नाम आते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो आपके गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, ये सब आपके स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। फिर अगली बात, ऑडिट में दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, मैनेजमेंट की और गवर्नेंस की। ठीक है, हम गवर्नेंस का वर्ड भी यूज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है वो डायरेक्टर्स जो रोज के काम चलाते हैं कंपनी के, जो रोज डे टू डे बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट के लफ्ज सही निकला कि वो मैनेज कर रहे हैं रोज की चीजें। गवर्न करने का मतलब है हुकूमत करना, जैसे गवर्नमेंट भी गवर्न के लफ्ज से निकली है। तो गवर्नेंस का भी मतलब ये है कि जो कंपनी पे हुकूमत कर रहे हैं। तो डायरेक्टर्स दोनों काम करते हैं, कुछ डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं, कुछ हुकूमत करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो डे टू डे बेसिस पे कंपनी चला रहे होते हैं, और कुछ सेठ जो होते हैं वो गवर्न कर रहे होते हैं। तो ऑडिट में ये दो तरह के डायरेक्टर्स अलग कर दिए गए हैं। जो रोज के काम चला रहे हैं उनको हम मैनेजमेंट कहेंगे, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस कर रहे हैं कि कंपनी को हम किस तरफ लेके जाना चाहते हैं अगले 3 साल में, 5 साल में, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो असल डिसीजन मेकर्स हैं, उनको हम गवर्नेंस बोलते हैं। तो हमने ये दो टर्मिनोलॉजीज इसलिए अलग की ऑडिट में क्योंकि ऑडिटर बेचारे की जब भी मैनेजमेंट बात नहीं सुनती तो वो शिकायत लगाने किसके पास जाता है? जी एमल, आसिफ, उस्मान, वलीद और दिले, आप अक्सर चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जब भी ऑडिटर की बात नहीं सुन रहा होता मैनेजमेंट, तो वो दौड़ता दौड़ता रोता रोता गवर्नेंस के पास जाता है। ठीक है, और ऑडिट में, वेरी नाइस एमल, ऑडिट में हम जो डायरेक्टर्स गवर्नेंस करते हैं उनको कहते हैं दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में TCWG कहती हूं। ठीक है, तो इसलिए ऑडिट में हम मैनेजमेंट के दो लेवल्स बनाते हैं, एक जो छोटे लेवल की मैनेजमेंट है जिसने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी है जो कंपनी चला रही है रोज, और एक जो हाई लेवल की मैनेजमेंट है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव किए हैं, जो लॉन्ग टर्म में डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ठीक है, ये गुड हो गया। एमल, आसिफ, उस्मान, वलीद, जिले, ये समझ लग गया आपको जी? ये क्या फर्क है इनके अंदर? चले, गुड हो गया। अच्छा, अब हम ऑडिटर में देखते हैं कि ऑडिटर जैसे मैनेजमेंट की टाइप्स हमने देखी, स्टेक होल्डर्स की टाइप्स देखी, इसी तरह ऑडिटर की टाइप्स भी देख लेते हैं। तो ऑडिटर में सबसे पहले तो आपकी ऑडिट फर्म आती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि पाकिस्तान में ऑडिट और लॉ सिर्फ पार्टनरशिप फर्म प्रैक्टिस कर सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। कभी कभी कंपनी भी ऑडिट कर सकती है किसी दूसरी कंपनी का, अगर उसका लॉ अलाउ करे तो। कभी एक सोल प्रैक्टिशनर, मतलब आप में से अल्लाह करेगा एमल, आसिफ, उस्मान, वलीद, जिले, आमिर सब लोग क्वालिफाई करेंगे, तो हो सकता है एमल कहे यार मैं अकेला फर्म चलाना चाहता हूं, तो वो सोल प्रैक्टिशनर भी बन सकता है। फिर उसकी पार्टनरशिप फर्म तो होगी नहीं क्योंकि साथ कोई होगा नहीं, तो वो अकेले भी ऑडिट्स कर सकता है। तो फर्म के जो टर्म है उसका मतलब है कि कोई अकेले ऑडिट करे, बेशक कोई पार्टनरशिप फर्म में करे, बेशक कोई इनकॉर्पोरेशन करके कंपनी की फर्म में ऑडिट करे, तो उसको फर्म बोलेंगे। ठीक है जी, अब फर्म के अंदर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स होंगे, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि पार्टनर्स क्या होते हैं। पार्टनर कोई भी ऐसा बंदा है जो फर्म को
जिसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले किसी और के साथ कि मैं तुम्हें इस फर्म के बिहाफ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। यानी किसी के पास भी अगर ये अथॉरिटी है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है फर्म के बिहाफ पे, तो वो पार्टनर हो गया। फिर ऑडिट के अंदर अभी आपने इंगेजमेंट का वर्ड पढ़ा था, इंगेजमेंट पार्टनर होता है। इंगेजमेंट पार्टनर पार्टनर से ज्यादा स्पेसिफिक बात है। इंगेजमेंट पार्टनर वो बंदा है जो उस अश्योरेंस इंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा, जो उसकी रिपोर्ट इशू करेगा, ठीक है। और ये ऑब्वियसली एक क्वालिफाइड बंदा ही कर सकता है। तो पार्टनर्स तो सारे ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो उनमें से कोई भी साइन कर सकता है, लेकिन जो भी बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर उसकी सर्विसेज परफॉर्म करके देगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो एंगेजमेंट पार्टनर होगा। और एक बंदा ऑडिट नहीं कर सकता पूरी कंपनी का, इसीलिए आपको एंगेजमेंट टीम की जरूरत है। पूरे साल में पता नहीं करोड़ों लाखों ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, एक पार्टनर तो नहीं देख सकता उनको। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ ईमेल। इंगेजमेंट पार्टनर का मतलब है वो पार्टनर जो जो भी इंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया कि जी हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो भी बंदा उन सर्विसेज को परफॉर्म करता है, उन सर्विसेज के ऊपर ओपिनियन रिपोर्ट की फॉर्म में इश्यू करता है, ठीक है, वो बंदा इंगेजमेंट पार्टनर है। यानी जो बंदा उस इंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइन तो कोई भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर, लेकिन जो भी बंदा फिर अल्टीमेटली उस एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो एंगेजमेंट पार्टनर होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी क्लास को ही ऑडिट फर्म बना लेते हैं, पार्टनर मैं बन जाती हूँ एंगेजमेंट पार्टनर, और एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद और जिले मेरी इंगेजमेंट टीम है, ठीक है। तो मैंने आप सबको भेजा कि हम एक्स वाई जी कंपनी का ऑडिट करने लगे हैं, तो आप सब जाएं, आप सब मेरी इंगेजमेंट टीम है, आप सब जाएं उधर और इंगेजमेंट परफॉर्म करके आए, ठीक है। तो फर्म के अपने बंदे भी हो सकते हैं। आप लोगों ने सेकॉन्डमेंट्स का नाम शायद सुना हुआ होगा, कितने लोगों को पता है सेकॉन्डमेंट क्या होती है? एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, जिले और वलीद, सेकॉन्डमेंट क्या होती है? अच्छा, से कॉन्वेंट का लफ्ज नहीं सुना। अच्छा, से कॉन्वेंट का मतलब यह है कि जैसे आपने, आपको बिग फोर का तो पता है कि बिग फोर का भी नहीं पता? एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद, जिले। अच्छा, अब बिग फोर में अल्लाह करे आपका हो जाए, आर्टिकल्स हो गए हैं, तो बिग फोर की जो नेटवर्क फर्म, फॉर एग्जाम्पल केपीएमजी दुबई है, उसको दिसंबर के सीजन में, हमारा पीक सीजन पाकिस्तान में जून होता है, उनका पीक सीजन दिसंबर होता है, तो दिसंबर में उनको वहां पर इतने उनके पास आर्टिकल स्टूडेंट्स नहीं होते, तो वो पाकिस्तान से आर्टिकल स्टूडेंट्स बुलवाते हैं। तो एंगेजमेंट टीम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर दुबई में आप में से कोई बंदा दुबई जाता है, तो आप भी उनकी एंगेजमेंट टीम का पार्ट होंगे, ठीक है। यानी आपकी फर्म का बंदा, या अगर आपने अपनी ही जो दुनिया के अंदर नेटवर्क फर्म्स हैं, केपीएमजी की या पीडब्ल्यूसी की जो अपनी नेटवर्क फर्म्स हैं, या ईवाई की, अगर आपने दुनिया में कहीं से भी उनसे बंदा मंगवाया है और वो आपके साथ काम कर रहा है उस एंगेजमेंट में, तो वो आपकी एंगेजमेंट टीम का मेंबर है। लेकिन अगर आपने कोई एक्सपर्ट बुलाया है बाहर से, एक्सपर्ट का मतलब ऐसा बंदा है, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट करते हुए बिल्डिंग्स की रीवैल्यूएशन करनी थी, तो एक अकाउंटेंट को या ऑडिटर को तो नहीं पता कि बिल्डिंग की कितनी वैल्यू होगी, लैंड की कितनी वैल्यू होगी, तो इनको बाहर से किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ा कि भाई आप ये काम करते हैं, आपका प्रोफेशन है, आप बताएं कि क्या कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वैल्यू लिखी है क्या ठीक है।
तो ये एक्सपर्ट इंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता, ठीक है। इंगेजमेंट टीम में सिर्फ ऑडिटर्स होंगे, बेशक आपकी फर्म के हों, बेशक आपके कोई नेटवर्क फर्म है उससे आ जाए, और स्टाफ का मतलब है कि उस फर्म में जितने भी लोग काम करते हैं वो उसका स्टाफ है, ठीक है जी। तो एक्सपर्ट क्योंकि बाहर से आया हुआ है वो हमारा स्टाफ नहीं है, लेकिन एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद और जिले तो ऑडिटर्स हैं, तो वो तो इंगेजमेंट टीम थे। इसके अलावा भी फर्म्स में और लोग भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए बंदा होता है, टैक्स के लोग होते हैं, कंसल्टेंसी के लोग होते हैं, चपड़ासी हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, तो ये सारे फर्म के स्टाफ होते हैं। और प्रोफेशनल अकाउंटेंट उस बंदे को कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो बंदा है जो आईएसएक की, हम कल पढ़ेंगे आईएसएक इंशाल्लाह क्या होता है। आईएसएक है जी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। तो आपने ये एसी जो है ये अकाउंटेंट्स के लिए है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो भी इसकी किसी मेंबर बॉडी का मेंबर है, जैसे आईकैप जो है वो आईएसएक की मेंबर है, और अगर आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करके आईकैप के मेंबर बनते हैं तो आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो जाएंगे, और कल को अगर आप ऑडिट करना शुरू करते हैं तो आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। हम अकाउंटेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को यही पूछते हैं कि तुम इंडस्ट्री में काम करते हो या तुम प्रैक्टिस करते हो। इंडस्ट्री का मतलब है कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या आप खुद से अपनी फर्म खोल के काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो ये तो हमें पता चल गया कि ऑडिट करते हुए हम अगर पार्टनर कहें तो उसका क्या मतलब है, इंगेजमेंट पार्टनर कहें तो उसका क्या मतलब है, एटसेट्रा, ठीक है जी। किसी को कोई क्वेरी, कोई इश्यू? चले, गुड हो गया। तो अब सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट मैटर में मजीद क्या चीजें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हम मजीद इसमें भी देखें, जैसे ऑडिटर एक जेनेरिक टर्म है, जब आप जनरली स्पीकिंग आप ये नहीं कहते कि पार्टनर, टीम, स्टाफ, आप ऑडिटर के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इनमें से कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको हम ऑडिटर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम अकाउंट्स भी बोलते हैं। अकाउंट्स के पीछे कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही होती है? एमल, आमिर, आसिफ, उस्मान, वलीद, जिले, अकाउंट्स किससे बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बनती हैं? बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल डेटा से तो बनती हैं, लेकिन फाइनेंशियल डेटा किस फॉर्म में होता है? ओहो जिले, रॉ फॉर्म को ना, उसका नाम क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरी नाइस। तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से, इसको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स बनती हैं। आपको ये तो पता ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, वाउचर होते हैं, लेजर्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें, इनवॉइसेस, लेजर्स, वाउचर्स, बुक्स, जितनी भी जिस 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 चीज पे आपने काम करके वो अकाउंट्स बनाए हैं वो सब आपके बैक एंड पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है जी।
अब कितने लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी नहीं है किसी कंपनी की? वेरी नाइस, तकरीबन सब लोगों ने देखी हुई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी की एक किताब की फॉर्म में होती हैं, जैसे आप किताब पढ़ेंगे इस तरह एक किताब की फॉर्म में होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उस किताब में तीन तरह की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। सबसे पहले सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आ रही होती है। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का मतलब है, आपने लॉ में पढ़ा था कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी तो उसके साथ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी जानी चाहिए, ठीक है? नहीं, बैलेंस शीट नहीं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सेकेंडरी, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी नेचर की है, सबसे हाई इंपॉर्टेंस नेचर की नहीं है। तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट लगानी पड़ती है, एजीएम का नोटिस लगाना पड़ता है, प्रॉक्सी के फॉर्म्स लगाने पड़ते हैं। इसी तरह कंपनी, ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हो गई, इसी तरह कंपनी कुछ इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स को। वो इंफॉर्मेशन जो के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं मांगी, या तो लॉ ने मांगी है या कंपनी खुद से वॉलंटरली देना चाहती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है? वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है जी? ये वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है। फिर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के बाद ऑडिट की रिपोर्ट लगी होती है, और ऑडिट की रिपोर्ट के बाद फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स लगे होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगी होती हैं। तो जब ऑडिट रिपोर्ट प्लस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं तो उसको हम अपनी एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट या पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है जी? तो आज हमने डिटेल पढ़ ली है अपने कुछ एलिमेंट्स की। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल पढ़ी, स्टेक होल्डर्स की, मैनेजमेंट की, ऑडिटर की। कल इंशाल्लाह ओपिनियन और जो क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल करना है ऑडिट के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, कल इंशाल्लाह हम उसकी डिटेल पढ़ के और फिर बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। आसिफ, TCWG का मतलब है दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के नोट्स और कल के लेक्चर के नोट्स मैं आपको थोड़ी देर बाद ईमेल कर दूंगी। अच्छा, आसिफ आप मेरे लेक्चर में नहीं थे? अच्छा आसिफ, मैं आपको दोबारा अब ईमेल कर देती हूँ, क्योंकि मेरी इस क्लास के बाद अगली क्लास शुरू होनी है, तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस क्या होते हैं, या कल हम जब क्लास शुरू करेंगे तो हम दोबारा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह।